नमस्कार, मैं हूँ रश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है और हमारे देश में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस खास त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के इस खास त्यौहार पर हमारे बाजारों में किस तरह का रौनक दिखाई दे रहा है, चलिए मुख्य बाजारों का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। दो साल के इंतजार के बाद इस बार का रक्षाबंधन का त्यौहार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से अगर देखें तो जो ये भाई बहन का त्यौहार है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा की कस्में खाते हैं और साथ ही साथ बहन की तरफ से उनके कलाई पे राखी बांध कर और तमाम प्रॉमिसेस की जाती हैं, इसको इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से बीते दो सालों से कहीं ना कहीं त्योहारों पर उसका असर देखने को मिला था। इसी को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और साथ ही साथ दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर इस बार की राखी पे वो क्या कहते हैं। शुक्ला जी, हमें ये बताएं कि पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल कोरोना था जिसके चलते लोग राखियों की दुकान तक कम पहुंच रहे थे और ऑनलाइन खरीदारी कर रहे थे, जी, मगर इस बार की बात की जाए तो बिक्री का जो रफ्तार है वो कैसा है? नहीं, अब की तो धीमा है पिछले वर्ष के मुताबिक, यानी पिछली बार कोरोना भी था अगर तब, यानी उसकी अपेक्षा फिर भी ठीक था, लेकिन अब की उससे भी धीमा है, क्योंकि जो है राखियों के भी रेट बढ़े हुए हैं 20%, और जो है यानी कस्टमर्स दुकानें हम लोगों के अंदर आ गई हैं, यहाँ पे मेन रोड पे पहले लगती थी तो वहाँ से जो है यहाँ बहुत फर्क पड़ रहा है हम लोगों को। हमें ये बताएं कि इस बार देखा जाए तो आपकी भी दुकान पे तिरंगी राखियाँ रखी हैं, सभी दुकान पे आजादी के 75वां वर्षगांठ है, जी, तो क्या इस सब चीजों को देखते हुए ग्राहक तिरंगा राखी की मांग कर रहा? हाँ, तिरंगा राखी की मांग ज्यादातर कर रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है लोग ज्यादातर तिरंगा राखियों की और तिरंगा बैंड जो है ज्यादातर मांग कर रहे हैं लोग। अपना नाम बता दे। जी, मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ज्योति जी, हमें ये बताएं कि आप रक्षा की राखी जो होती है वो खरीदने आई है, पिछले साल के मुताबिक अगर बात की जाए तो राखियों के रेट में क्या फर्क है, और साथ ही कोविड काल के बाद ये अगर देखा जाए तो इस बार कोरोना मुक्त राखी है, इसमें आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा है, रेट तो थोड़ा महंगा है ही, महंगाई के हिसाब से महंगा है जी। कोविड के हिसाब से अब इस बार राखी तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा हंसी खुशी के साथ मनाई जाएगी इतने सालों बाद है। आप अपना नाम बता दें। कैलाश चौरसिया। चाचा जी, ये बताएं कि इस बार अपना देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि 20 करोड़ झंडे लगाए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से 4.5 करोड़ का रखा गया है, आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से बहुत अच्छा, इसमें और संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और तमाम सेनानियों के बलिदान के बाद हमें खुला आसमान दिखा है, तो इस पर भी आप क्या कहेंगे? खुला आसमान तो भाई, जब से मोदी सरकार आई है तस्में देश में जो है कुछ मतलब आज़ादी का जो है ज़्यादा स्वरूप अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके पहले जो है सब चाटुकार लोग भरे हुए थे जो कि बेकार थे हमारे हिसाब से। अच्छा बबलू जी, हमें ये बताएं कि दो साल के कोरोना काल के बाद इस बार आप लोग की दुकानें भव्य तरीके से लगती हुई नजर आ रही हैं, और अगर बात की जाए तो ग्राहक इस बार जो आने का सिलसिला है वो कैसा है, और राखियों के रेट बात करें तो उस पर क्या असर है, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या रेट सामान्य है? नहीं, रेट सामान्य है, बस ये जो दुकानदारी है, दुकानें रोड पर लगती थी तो ग्राहकों को दुकानें दिखती थी, इस बार दुकानें पता नहीं चल पा रही, कस्टमर को दुकानें लगी कहाँ पे है और ना उसका कोई प्रचार हुआ है, तो जो दुकानें रोड पे थी तो दुकानदारी अच्छी थी, इस बार 50% दुकानदारी नहीं हो पाई और दुकानें लेट लगी, इसके वजह से जिनको राखियाँ बाहर भेजनी थी वो भेज चुके, अब जो लोकल के कस्टमर वो खरीदेंगे तो दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ इस बार। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट में बात की जाए तो ऑनलाइन भी राखियाँ मिल रही हैं, क्या उससे आपकी दुकानों पर फर्क पड़ा है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, जिसको ऑनलाइन लेना होगा लेगा, लेकिन जो देख के लेने वाला कस्टमर वो देख के ही लेगा जी। और आखिरी सवाल हमें ये बताएं कि अगर बात की जाए तो देश का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या इस बार तिरंगे राखियों की कैसी मांग है और उसका बिक्री कैसा है?
इस बार उसकी डिमांड ज़्यादा है और दुकानदारी भी उसकी ठीक है, कस्टमर तिरंगा राखी ले रहा है। विनीता मैम हमें ये बताएं कि कोविड काल के बाद देखा जाए इस बार दुकानें भव्य तरीके सजी हैं, वहीं अगर बात की जाए तो राखियों के रेट की तो क्या फर्क है, अगर पूर्व सालों में बात की जाए क्या कहेंगे आप? हाँ रेट तो थोड़े बहुत हाई हैं ये, लेकिन अच्छा लग रहा है, दो साल बाद मार्केट लगी है अच्छी खासी, वरना तो ऐसे था कि कहीं भी गए थोड़ा सा खरीद लिया। बात की जाए तो इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, भारत देश के आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं जी, जिसको देखते हुए दुकानों पे तिरंगा राखियाँ मिल रही हैं, तो तिरंगा राखियों पे आपको क्या कहना है? तिरंगा राखी मिल रही है अच्छा है, मैंने तो अपने घर में आज 3 तारीख से तिरंगा लगा रखा है, हमारा देश आज़ादी की मना रहा है 75। जी कोविड काल के बाद इस बार दुकानें भव्य तरीके से लगी हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ। राखियों का रेट कैसा है, क्या उसमें बढ़ोतरी है? वहीं अगर बात की जाए तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखते हुए तिरंगा राखियां भी मार्केट में मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? तिरंगा राखियां अच्छी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि तिरंगा राखियां बांधने के बाद इधर उधर कोई फेंके ना, जो फैक्ट है लोग राखियाँ मांग के इधर फेंक देते हैं। अगर आप तिरंगा राखियाँ ले रहे हैं तो उसको अच्छे से रखिए ताकि तिरंगे का सम्मान कीजिए, और रेट में तो बस वैसे ही बढ़ोतरी तो हर साल होती रहती है, और कोरोना के बाद थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो है ही है राखी में। वही अगर बात की जाए तो कोविड काल के बाद जी भव्य तरीके से दुकानें लगी हुई है, इसलिए आपका कहना क्या कहना है, राखियों को लेकर कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं? राखियों के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं, एक्चुअली 2 साल बाद भाइयों बहन से मिलेंगे, 2 साल में कहीं कोई जा नहीं पाया है तो सब अपना परचेजिंग में लगे हुए हैं, शॉप लगी हुई है, खुशी हो रही है कि हम सब राखियाँ देख देख के, हम लोग को पिछली बार तो सब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ही राखियाँ खरीदी थी, खुशी ये अच्छा है, अच्छा हम त्यौहार मना रहे हैं हम लोग, और क्या इस बार खुशी इस चीज़ के लिए। तमाम दुकानों पर जाकर हमने दुकानदारों से बात की, साथ ही साथ खरीदारों से बात की, खासतौर पर अगर देखा जाए तो इस बार का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं थोड़े महंगा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखे तो मिठाइयों के रेट के साथ साथ इस बार जो रेशम के रेट बढ़े हैं उससे जो राखी होती है उसके जो मूल्य है उस पर प्रभाव दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो दुकानदारों की, तो दुकानदारों का कहना है कि इस बार जो देश का आज़ादी के 75वें वर्षगांठ है इसको देखते हुए लोग इस बार तिरंगा राखी की डिमांड ज़्यादा है। साथ ही अब बात करें तो तमाम जो ग्राहक थे उनसे जब बात किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस त्यौहार को मनाने के लिए हम तमाम माध्यमों से राखी मंगा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ऑनलाइन मार्केट आने से कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। देखा आपने बाजारों में रक्षाबंधन पर कितनी रौनक दिखाई दे रही है, पूरा मार्केट राखियों से सजा हुआ है, राखी की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों तक तरह तरह के सामान दिखाई दे रहे हैं और लोगों के चेहरों पर खुशियां दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।